हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ चिकन यखनी पुलाव। आपको लगेगा हाफ के जी से ज़्यादा ये चिकन है, हाफ के जी राइस, दो बड़े प्याज और थोड़ा कड़ी पत्ता, दो आलू, तेल, ये खड़ा गरम मसाला है और ये नमक, दही, ये स्लिट करी हुई हरी मिर्ची है और ये 3 टेबलस्पून धनिया है, 1 टेबलस्पून सौंफ है और ये ऑरेंज फूड कलर है 1 चुटकी और 2 ड्रॉप बिरयानी एसेंस। सब में पहले ये 1.5 लीटर पानी लेना है और इसमें सौंफ और धनिया उबालने डाल देना है। ये एक बॉयल आ चुका है, अभी इसको स्लो पे 15 मिनट पकाएंगे और गैस बंद कर देंगे। इसमें ये 2 स्टिक कड़ी पत्ता की भी डाल देंगे। ये ज़ीरा है, साजीरा, फूल, लौंग, काली मिरी, दालचीनी, बड़ी इलायची, हरी इलायची और तेज पत्ता, ये सबको हम तेल में डालेंगे और प्याज डालेंगे। यही तेल में मैंने आलू फ्राई करके एक साइड में रख चुकी हूँ। प्याज लाइट ब्राउन हो चुकी है, मैं आपको ये बताने भूल गई, और 3 टेबलस्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। सौंफ धनिये की खुशबू आ रही है। 15 मिनट हो चुका, अभी मैं गैस बंद कर दी हूँ। इसको अच्छे से भूनना है। मसाला भून के अच्छे से हो गया, अभी मैं इसमें दही डालूँगी। दही का पानी सूख चुका है और तेल सेपरेट हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे हरी मिर्ची। आप हरी मिर्ची आप कम ज़्यादा कर सकते हैं आपके टेस्ट के हिसाब से, और चिकन। इसको फुल पे अच्छे से भूनेंगे 1 मिनट के लिए। एक मिनट हो चुका है भून के, अभी हम इसमें नमक डालेंगे चावल के हिसाब से। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे। मैं इसमें छोटा सा टीस्पून 3 डाल दूँगी। मिक्स करना है और ढक के चिकन को पकाना है। चिकन पक चुका है, अभी इसमें आलू डाल के फ्राई करा हुआ 1 मिनट पकाएंगे इसको। इसमें थोड़ी सी कटी हुई पुदीना और 1 मुट्ठी कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और ये जो पानी हमने बॉईल करके रखे थे इसको छान के डालेंगे। पानी अच्छा बॉईल हो रहा है, अब इसमें हम ये सोख करा हुआ राइस डाल देंगे। एक बॉईल आ रहा है, अभी इसको हम लोग मीडियम गैस पे पकाएंगे। चावल का पानी सूख चुका है, अभी इसको हम दम पे रखेंगे 15 से 20 मिनट स्लो गैस पे। अभी एक पैन में, सॉस पैन में 1 टेबलस्पून घी लेंगे और उसमें आधी प्याज का बिरिस्ता बनाएंगे। 1 टेबलस्पून घी में आधी प्याज डालेंगे और बिरिस्ता बनाएंगे। बिरिस्ता हो चुका, अब गैस बंद कर देंगे। अभी ये बिरिस्ता और घी इसके ऊपर पोर कर लेंगे। और ये जो एसेंस ऑफ फूड कलर है एक तरफ डाल देंगे और दम पे पकाएंगे। पुलाव बनके रेडी हो चुका है। कभी भी आप पुलाव या बिरयानी बनाओगे तो उसको एकदम से सर्व नहीं करना, उसके स्टीम में ही गैस बंद करके 15 मिनट या आधा घंटा छोड़ देना। आप देख सकते हैं ये पेस्ट कितना खिला खिला बना है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। ये पुलाव मेरे हाथ का बहुत ही अच्छा बनता है और जिसने भी खाया है मेरे हाथ का ये पुलाव उसको बहुत ही अच्छा लगा है, बहुत ही तारीफ़ करते हैं। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करना और बताना कि आपको ये रेसिपी मेरी कैसे लगी। मेरी रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बाय।